हेलो बच्चों, आज जो अपन करने जा रहे हैं आपकी 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे कि ये जो हमें इसमें निकालना है कैलकुलेटर स्क्वायर रूट निकालना है वैदिक मेथड से, यानी कि वर्गमूल निकालना है भाग विधि से या वैदिक विधि से। लेकिन ये जो विधि है या जो मेथड है ये अपने क्वेश्चंस के बाकी अदर चैप्टर में भी काम आते हैं, जहाँ भी जैसे आपको इसके ऊपर रूट लगी कोई ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट निकालिए, इसका रूट निकालिए, उसका मतलब जो ये मेथड सीखोगे वो इसी से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने हर चैप्टर में काम आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप इजी वे में समझेंगे अपन। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो है आपका 2116। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, करना क्या है आपको कि सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और अब आपको करना क्या है कि इसके दो दो के जोड़े बनाने हैं, किधर से? राइट साइड से, मतलब दाएं से। इधर से दो दो के जोड़े बनाओ। ये मत सोचना, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो चार डिजिट थे इसलिए दो दो के दो जोड़े परफेक्ट बन गए। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पर ये पांच डिजिट होते तो यहाँ पर जो पांचों वैल्यू होती वो अकेली रह जाती, वो कोई बात नहीं, वो आगे आएगा क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। फिर इधर से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। इधर जो बचेगा सो बच जाएगा, पहली बात तो ये। अब सुनना, अब जो उस जोड़े को छोड़ो, ये जो जोड़ा है पहला उसका मतलब 21। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है, ठीक है, ऐसा नंबर गेस करना है जो इस 21 के पास चला जाए, बस 21 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये, जैसे मैं दो को दो लूँगा तो दो को दो से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? चार। लेकिन इसके पास नहीं है अपन, फिर अपने लिया तीन, तीन को तीन से किया तो नौ, और जा सकते हैं पास, यस। चार को चार से किया तो 16, 16, ठीक है। फिर अपने सोचा क्यों पाँच क्यों ना ले, पाँच को पाँच से करेंगे तो 25, लेकिन वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 21 के पास जाना है जितना हो सके, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो। तो इस हिसाब से ये सही बैठेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर सोचूंगा मैं उसी खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है कि वो इससे ज़्यादा ना हो। तो अपन क्या ले लेंगे बच्चे? फोर ले लेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो अपन ने नंबर सोचा उसको इधर लिख दो आंसर में, ये अपन ऊपर आंसर लिख रहे हैं इसका, ठीक है। अब खींच दो लाइन। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई लिख दो 21 के नीचे, मतलब 4 4 जा 60। बहुत सिंपल है। अब 21 में से 16 को माइनस कर दो, यानी 21 में से 16 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? 5। इधर जीरो, कोई जरूरत नहीं, और ये हो जाते हैं 8। सबसे पहले ऐसा नंबर सोचो किसके पास पहुंच जाए, उसको उसमें से माइनस कर दो, जो बचा यहाँ लिख दिया, इसका सम यहाँ लिख दिया, आंसर ऊपर लिख दिया, जो नंबर सोचा था वो हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो 16 है वो एक साथ आएगा, मतलब यहाँ पर जोड़े में उतरता है, ये जो पेयर बनाए अपन ने दो दो के, वो पेयर एज इट इज उतरेगा, जोड़ा 16 एक साथ उतरेगा, एक 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 नंबर नहीं उतरता इसमें, ठीक है, पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है। फिर क्या करना है, ये बन गया 516। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो कि हमें 516 के पास पहुँच जाए, या फिर 516 पूरे पूरे आ जाए, बिकॉज लास्ट जोड़ा उतर चुका, तो हम कोशिश करेंगे पूरा पूरा आ जाए। तो हमें क्या सोचना है कि लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। इसका मतलब देखो सीधी सी बात है, मैं यहाँ जो नंबर लिखूंगा यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा वही नीचे लिखूंगा, ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखा तो नीचे भी 2 आएगा, लेकिन हमें देखो बच्चे 6 चाहिए, तो 6 का मतलब ऐसी कौन सी टेबल है जो हमें 6 दे दे। जैसे हमने देखो अगर 2 लिखूंगा तो 2 यहाँ लिखूंगा, 2 2 जा तो 4 होता है, 3 लिखा तो 3 3 जा 9, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं 4 लिखता हूँ तो साफ ही पता चल रहा है कि वैल्यू छोटी पड़ेगी, बिकॉज 84 को 4 से करने पर 516 के पास नहीं पहुँचेंगे, तो फिर और 6 कौन दे सकता है? तो 6 खुद दे सकता है। कैसे? 6 6 36, यानी कि लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, हमें लास्ट संख्या देखनी है, लास्ट संख्या क्या है? 6, तो यहाँ पर भी 6 ले लो, ठीक है। तो यहाँ जो लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, आंसर में क्या लिखना है? 6, क्योंकि जो हमने नंबर सोचा, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, ऐसे लगी 3, 6 6 48 और 3 51, यानी कि 50। तो ये अपने डिवाइड किया हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो कि ये हो जाएगा हमारा करेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, यानी कि संशोधित भाजक। ये क्यों लिख रहे हैं अपन? देखो सबसे पहले 4 से किया था, सेकंड टाइम ने 86 यानी 66 से किया, इसलिए वहां पर मैं क्या लिखना है, अगर नीचे और जरूरत पड़ती तो एक बार और लिख देते करेक्टेड, तो ठीक है। और लास्ट लाइन लिख देंगे अपन, बस क्या पूछा था, स्क्वायर रूट ना, लिख देना स्क्वायर रूट ऑफ 2116, कितना आ गया वो? 46। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, अतः 2116 का वर्गमूल बराबर 46। इस तरीके से दो छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखना है,
और इस तरीके से आराम से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड आपका वो है 4225, यानी कि 4225। इधर से दो दो के जोड़े बना लो बच्चे, एक 25 का बन गया, 42 का बन गया। हमें सबसे पहले पहले वाले जोड़े को देखना है, वहां पर क्या है 42। ऐसा नंबर सोचो जो यहाँ लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई इसके पास पहुंचना है अपन को, यानी कि हम सोच सकते हैं 7 से अगर सोचूंगा तो 7 7 49, यानी कि 7 7 49, जो कि ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या नंबर लेंगे, 6 6 ले लेंगे, तो 6 6 36, तो यहाँ आंसर में लिख दिया अपन ने 6। इन दोनों को कर दो प्लस, यहाँ कर दो बच्चे माइनस, तो क्या बच जाएगा, 4 2 6 बच गया। अगला जोड़ा है जट इज उतर गया 25, फिर एक ऐसा नंबर सोचो कि ये ला दे। हमेशा क्या सोचना है, जब लास्ट जोड़ा नीचे आ जाता है तो हमें पूरा पूरा लाने की कोशिश करनी है। तो लास्ट संख्या को देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ऐसा नंबर सोचो जो मैं 5 दे, तो सीधी सी बात है 5 तो 5 ही देगा, यानी कि 5 ही देगा, तो वही नीचे लिख दो। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 5 25, 2 10 2 12 1 26, ठीक है, तो पूरा पूरा आ गया। इनको अब जरूरत नहीं, कंप्लीट हो गया। आंसर क्या है, 5, जो ये लिखा था अपने उसका मैं यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आप फिर ऐसे एक लाइन लिख देते हो, करेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, यानी कि संशोधित भाजक, बस सिंपल है। दस स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू 65, अतः 4225 का वर्गमूल बराबर 65। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन सेकंड। इसी तरह बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन है 6 8 8 9, दो दो की जोड़े बना लो उधर से, ठीक है। ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुंच जाए, 8 ले लो, 8 8 64, ठीक है, आंसर लिख दो 8। यहाँ दोनों का ऐड हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बच गया आपके सिर्फ 4 बच गया, बिकॉज 8 में 4 गया तो 4 और 6 में 6 जाए तो 0। अगला जोड़ा उतर गया 89। जब लास्ट जोड़ा उतर जाए तो अपन कोशिश करेंगे ये डिजिट सेम टू सेम लाए अपन, तो सीधी सी बात है 9, तो 9 तो हमें 3 देगा, 3 की डिजिट लास्ट डिजिट को देखना है और यहाँ सोचना है फिर, ठीक है। तो 3 3 9 3 3 9, 3 6 18 3 6 18, 1 carry और 4, ठीक है, तो आंसर 18 इधर लिख दो। तो आंसर क्या हो गया, 83। वो दो लाइन लिख देना बच्चे, या तो क्या लिख देना, करेक्टेड डिविडेंड बस, ठीक है, ये सिंपल। ये देखो बच्चे फोर्थ क्वेश्चन ही थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट बिकॉज ये देखो दो दो डिजिट बनाए अपन है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बच गया, ठीक है, 5 बच गया, वो बच गया तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ 5 से मतलब है, जो लास्ट बचेगा ना उससे मतलब है। ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुँच जाए, सीधी सी बात है 2 ही होगा, 2 2 4, ठीक है, आंसर में लग गया 2। ये जुड़ के ऐड हो गया 4 और यहाँ बच गया 1। अब ये जोड़ा उतरेगा, ये पेयर है ना 90 का, 90 का जोड़ा उतर जाएगा यहाँ पर, 90 का पेयर उतर गया, ठीक है। अब फिर ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुँच जाए अपन, तो देखो 5 लेंगे तब तो आपको पता है 225, यानी कि तो इसका मतलब 4 लेंगे, 4 लिया तो 4 4 16, 1 carry 4 4 16 17, 176। क्या लिया था अपन ने, 4, तो ये लिख दो 4, ये हो जाएगा अपना ऐड और ये हो जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट जोड़ा कौन सा उतरेगा, 49, ठीक है, तो यहाँ उतार देंगे अपन 49। अब देखो यहाँ पर एक बार तो यहाँ लिखेंगे आप करेक्टेड डिविडेंड, यानी कि संशोधित भाजक, फिर यहाँ पर एक बार और लिखेंगे यहाँ, ठीक है, करेक्टेड डिविडेंड यानी कि संशोधित भाजक, दो बार लिखना है अपन को, जितनी बार अपन डिविडेंड लेके आ रहे हैं नया नया जब तब तक लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में 9 है, ऐसा नंबर सोचो मैं 9 दे दे, सीधी सी बात है 3 ट्राई करेंगे, वैसे भी 400 500 समथिंग है, 3 बार में 1500 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तो 3 3 9 3 3 9, 3 8 24, 2 carry, 12 2 14, कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 और आ गया। तो जो अपना स्क्वायर रूट हुआ इसका स्क्वायर निकल के आया कितना है, 243 की स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक नई चीज़ थी वो जो सिंगल डिजिट बच गया, ओके। ऐसे देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपका 125316, दो दो के जोड़े बनाओ, एक ये बन गया एक ये बन गया, बस ये 3 जोड़े पूरे पूरे बन रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले फर्स्ट जोड़े से मतलब है 12 है। ऐसा नंबर सोचो 12 ला दो या फिर 12 के पास पहुंच जाओ, तो सीधी सी बात है 3 लेंगे, 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 तो 16 यानी कि 16 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो 3 लिया, 3 आंसर में लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो यहीं लिख दिया, 9 आया तो इधर तो ऐड कर देंगे 6, और 12 में से 9 चला गया तो बच गया 3, ठीक है। अब जोड़ा उतरेगा, नेक्स्ट पेयर उतरा 53, ठीक है बच्चे। अब यहाँ 6 और यहाँ 353 है, ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुँच जाओ, ठीक है। जैसे अपन लास्ट में अभी 3 तो ला नहीं सकते बिकॉज अभी देख जोड़ा हो रहा है, तो ये तो है नहीं कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट तो ये भाग होगा नहीं, डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन लगभग करीब पहुँचना है आपको। तो फिर ऐसा नंबर सोचो कि यहाँ ऐसा मान लो कि इसको मान लो आप 300 है,
ठीक है, इसको मान लो ये 6 है, लेकिन अब जो भी लिखेंगे तो 65 हो जाएगी। जैसे सपोज अपने 5 लिया, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 6 30 और 2 32, तो मतलब ये अप्रोक्स पहुंच रहा है। ठीक है, 6 लेंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा होगा, तो अपन को यहाँ पर क्या सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सोचना सीख जाओगे। आंसर में 5 लिख देना है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख देना है, 5 5 जा 5 5 25, 2 वहाँ से लग गई और 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ जोड़ देंगे, 5 और 5 10, ये हो गया 70। यहाँ 13 में से 5 गया तो 8, या 4 में से 2 गया तो 2, 28 बचा। नेक्स्ट पेयर उतर जाएगा 16 वाला, 16 उतर जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है कि पूरा पूरा आ जाए, बिकॉज लास्ट जोड़ा जो था, लास्ट पेयर था, उतर चुका। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है कि पूरा डिवाइड कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नंबर सोचो कि हमें यहाँ पर ये आ जाए। देखो सीधी सी बात है, लास्ट संख्या, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो हमें यहाँ पर 6 लाना है। तो अगर हम ट्राई करें 3 की, 3 लें अगर, 3 से 9 आ रहा है, तो ट्राई किसकी करेंगे फिर अपन, 4 की, परफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 6 देता है, 4 चौक 16, 0 है तो 16 का 16 आ जाएगा, और 4 7 20 8, परफेक्ट चला गया पूरा पूरा। यानी कि क्या लिया था अपन, 4, तो यहाँ आंसर लिख देंगे 4, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 354। इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके। ओके, इसी तरह ये छठा क्वेश्चन देखो, 169744, दो दो की जोड़ी जब बनाते हैं अपन तो परफेक्ट जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि हम यहाँ सोचेंगे 4, और 4 हमें पूरा पूरा 16 दे रहा है, 16 दे रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ 8 बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, 0 बचा, लेकिन नेक्स्ट पे उतार लेंगे अपन 97। अब सुनो बच्चे, यहाँ पर अगर मैं 1 लूंगा लास्ट, बिकॉज देखो 2 लेते ही वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास 1 का है। ठीक है बच्चे, अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, 1, तो आंसर मिल गया अपन ने 1। 1 का मतलब 1 को तो 81 से करेंगे तो 81 ही आएगा। देखो यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे ना वो होगा मल्टीप्लाई, ये मानो आप, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हुआ था, उसके बाद में अपन यहाँ ऐड लिखते हैं नीचे, ठीक है ना। तो एक बार ये मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि ये 81, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 ही आएगा, फिर यहाँ पर नीचे कर देते हैं अपन ऐड, तो ये तो हो गया 82। ठीक है, और ये क्या बच गया, ये कर देते हैं अपन माइनस, यहाँ भी माइनस किया था, तो ये बच गया अपने 6, और 7 में से 6 बचा, और 9 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा उतारेंगे अपन बच्चे, 44। सीधी सी बात है, लास्ट जोड़ा तो जो था उतर गया, हमें पूरा पूरा लाना है, तो ऐसा नंबर सोचो जो हमें 4 दे दे। ठीक है, तो सीधी सी बात है 2 ही लिखेंगे, देखो तो थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना, बिकॉज यहाँ पर 2 लेंगे तभी ये 800 कुछ बन जाएगा, तो 2 बार का मतलब डबल, 2 यहाँ लिखेंगे, तो जब 822 को 2 से करेंगे तो 1644। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 4 और 8, और तो कोई 4 वैसे भी देगा नहीं, लेकिन 8 दे देता है, 8 8 जैसे 64 होता है, लास्ट डिजिट 4 होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना, तो ये अपना पूरा हो गया, यानी कि 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, या स्क्वायर हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, 412। इसी तरह बच्चे 7th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट ईजी है, कोई बात नहीं, तो 2 के जोड़े बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया, लास्ट में क्या बचा, 1, लेकिन हमें तो जो लास्ट जो बचेगा उससे मतलब है, तो 1 है, तो यहाँ पर भी अपन क्या सोचेंगे, 1 ही सोचेंगे, बिकॉज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में नीचे जाके ऐड हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब उतारा अगर नेक्स्ट जोड़ा, नेक्स्ट जोड़ा 26 है, अब ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुँच जाए, तो सीधी सी बात है 1 ही लेंगे। ठीक है बच्चे, तो 1 लिया अपन ने फिर से, तो 21 आया। ठीक है ना, तो यहाँ कर दिया अपन ने 8, तो 1 और 1 2, और 2 का 2 वैसे भी 21 और 1 22। अब 26 में से 21 चले गए तो क्या बच गया, 5। अब नेक्स्ट जोड़ा कौन सा उतरेगा, 56 वाला, 56 वाला। ठीक है, अब फिर ऐसा नंबर सोचो कि हमें 6 दे दे, कोई जरूरी नहीं है 6 नहीं आएगा, बिकॉज अभी एक जोड़ा और है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच भी सकता है, और बचेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास पहुँच जाना है, तो देखो सीधी सी बात, अगर 3 लेंगे तो वो हो जाएगा 600 कुछ, लेकिन हमें 600 नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या सोचना है, 2। देखो कॉमन सेंस लगाओ बच्चे, अगर मैं 3 लिखूंगा तो वो हो जाएगा 223, और 223 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ जो लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, जब 223 को 3 से करेंगे तो 600 700 के पास पहुंच जाएगा, जबकि हमारा नंबर 600 से भी छोटा है, तो यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक है, 2 से क्या, तो 444, क्या किया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ठीक है, अब नीचे जाके ऐड कर देंगे तो 4 2 और 2, 222 और 2 224, और यहाँ माइनस किया तो 6 में 4 गया तो 2 1 1, 112 माइनस, रिमाइंडर बच गया, शेष पल बची। अब उतार लो 25। अब देखो सीधी सी बात है, लास्ट डिजिट 5 है, तो हमें, क्योंकि लास्ट संख्या भी उतर चुकी,
लास्ट डिजिट उतर चुका, लास्ट जोड़ा, तो हमें कोशिश करेंगे पूरा पूरा लाएं, तो अपन यहाँ क्या ले लेंगे, पाँच, तो पाँच से करते ही पाँच में 25, 5 5 25, 20 और 2 22, फिर 2 10 और 2 12, फिर यहाँ से ले कैरी लग गई, 5 10 और 1 11, यानी कि पूरा पूरा क्या लिया था अपने 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटे 1 1 2 5, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, ऐसे आपका लास्ट जो आठवां क्वेश्चन है इस तरीके से दो दो के जोड़े बनाओ, 56 का बना, 27 का बना, 52 का बना और 1 अकेला बच गया। अब सीधी सी बात है, 1 बचेगा तो 1 तो 1 लेंगे, फिर 1 1 1, ठीक है, यानी कि 1 आंसर में लिख दिया अपन ने, तो इसको अपन ऐड कर दिया और 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। अब नेक्स्ट नंबर उतरेगा 52, ठीक है बच्चे, या 52 है, यहाँ सीधी सी बात है, ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुँचे अपन, तो अपन ने यहाँ पर ले लिया 2, बिकॉज 22 को जब 2 से करेंगे तो 44, ठीक है, 2 बार जा सकता है। चलो इसको अपन ऐड कर दिया तो ये हो गया 22 और 2 24 24, और यहाँ अपन ने माइनस किया तो 12 में से 4 गए तो 8, यानी कि और इधर कुछ बचेगा नहीं क्योंकि यहाँ 4 में 4 तो 0। अब नेक्स्ट नंबर है आपने 27 का, अगला जोड़ा कौन सा है 27, ठीक है। अब फिर इसके पास पहुँचने के लिए ऐसा नंबर सोचो, तो देखो यहाँ पर मैं अगर 1 भी लिखूंगा तो 200 कुछ हो जाएगा, ठीक है, अगर मैंने 2 लिखा तो 250 250 का डबल 500, इसका मतलब 3 बार ट्राई कर सकते हैं अपन, ठीक है, 3 बार ट्राई किया तो 3 3 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 और 7, मतलब ये सही बैठेगा। 4 क्यों नहीं बैठ रहा, देखो 4 का मतलब 4 वो बहुत ज़्यादा, 250 को 4 बार करो लगभग 1000 के पास पहुंच जाएगा, जबकि हमारा नंबर तो 850 के भी अंदर, ये ध्यान रखना, थोड़ा राउंड फिगर में कॉमन सेंस अप्लाई करना। यहाँ बचेगा 6 4 और 2, मतलब 243 में 3 ऐड करना है, और यहाँ कर दो माइनस तो 7 में से 9 जाता नहीं, इसे कैरी ली तो 17 में से 9 तो 8 बच गया, यहाँ बच गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ कुछ बचा नहीं। चलो अब क्या बचा 56, ठीक है बच्चे, लास्ट जोड़ा जब उतरता है इसका मतलब डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, अब तो लास्ट 6 में हमें बनाना है, तो यहाँ ऐसा नंबर सोचो कि वही दे दे, तो यहाँ पर भी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, यहाँ 24 है और यहाँ 98 है लगभग, देख क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 है ना, हमें 4 भी देता है, क्योंकि मैं अगर 4 लिखता हूँ तो वो भी 6 देता है, और मैं अगर 6 लिखता हूँ तो वो भी 6 देता है, लेकिन ये क्वेश्चन 4 बार में हो जाएगा, बिकॉज 24 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 98 आता है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना 6 भी 6 देता है लास्ट डिजिट, तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना कि 4 से काम हो जाएगा, बिकॉज 24 का 4 98 होता है, ठीक है ना, तो 4 हमने लिया तो 4 4 16, 4 6 24 और 1 25, 2 16 और 2 18, 1 4 2 8, 1 9, कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, 3 यहाँ लिया था और 4 यहाँ लिया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे 1234। तो इस तरीके से आपके जो 8 क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट निकालने के वो कंप्लीट होते हैं। ओके।